चेंज जो है, अगर ये एनी चेंज, ये चेंज दो तीन टाइप की है। अगर हम इस चेंज को देखेंगे, दैट मीन्स अगर इन सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो ये म्यूटेशन बना देता है, या म्यूटेशन करता है ये चेंज सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाए। तो चेंज कैसे आ जाती है मैं समझाता हूँ। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जो हम समझने के लिए बोलते हैं। नंबर पहला क्या है, फॉर एग्जांपल द कैट सा द डॉग। मैंने ये तीन तीन क्यों लिखे, ये तीन तीन क्यों लिखे मैंने, क्योंकि जेनेटिक कोड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, जिस तरह मैंने अभी बताया यू यू यू। तो इनको आप यू यू के, फॉर एग्जांपल यू यू यू, यू सी यू, यू ए यू, यू जी यू, फॉर एग्जांपल ऐसे ही आप इनको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा सा हटाऊंगा आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है द कैट सा द डॉग, तो इसका मतलब है ये एक फुल सेंटेंस है जो मीनिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये सीक्वेंस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और वो प्रोटीन को कोड करता है, एक प्रोटीन को कोड करता है। अगर अगर हम इसी तरह जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम देखेंगे वो प्रोटीन को कोड करता है, तो ये एक फुल सेंटेंस है, ये एक फुल सेंटेंस है जो जिसकी फुल मीनिंग है। अब इसमें क्या करते हैं हम, पहला क्या है, इसमें तीन किस्म की चेंजेस आ जाती है। नंबर वन इज सबस्टिट्यूशन, तीन तरीके से इसमें चेंज आ सकती है। नंबर वन इज सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ वन लेटर, एक लेटर को हमने चेंज करना है, या मैं नीचे लिखूंगा इसको, सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ वन लेटर, एक लेटर को हमने चेंज करना है, चेंज ऑफ वन लेटर। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा चेंज सबस्टिट्यूशन में चेंज ऑफ वन लेटर, इसी सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है मैं कोई भी, आप कोई भी लेटर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एच ई द सी, और यू कैन से सी को हम चेंज करेंगे बी से, बी ए टी बैट, एस ए डब्ल्यू सा, टी एच ई द सी ए डी ओ जी डॉग। तो मैंने सिर्फ एक लेटर चेंज किया है, यहां पे मैंने चेंज किया है चेंज्ड लेटर सी, लेटर सी मैंने लेटर सी को चेंज किया है, बी को मैंने सी के बदले लगा दिया है। तो ये भी आ गई, इसका एक वैल्यू मतलब था, इसका दूसरा मतलब है। तो इसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन मीन्स चेंज ऑफ वन लेटर। इसी तरह अगर आप कोडॉन्स में भी या जेनेटिक कोड में भी एक जो न्यूक्लियोटाइड चेंज करेंगे तो उसमें उसमें सबस्टिट्यूशन आएगी, उसमें म्यूटेशन आएगी। तो नेक्स्ट में देखो, दूसरी एग्जांपल मैं इसी पे बताऊंगा, टी एच ई द सी ए टी कैट, पहला वाला एस ए डब्ल्यू सा, टी एच ई द डॉग के बदले लिखूंगा एच ओ जी हॉग, फॉर एग्जांपल। तो ये जो एच है मैंने डी के बदले, तो ये भी म्यूटेशन है, ये भी म्यूटेशन है, और ये भी म्यूटेशन है, ये भी म्यूटेशन है। तो ये जो म्यूटेशन है एक जगह पे आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट, व्हाट इज देन पॉइंट म्यूटेशन, आप इसको सबस्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, इट इज द सबस्टिट्यूशन आर द सबस्टिट्यूशन आर, यहां पे मैं लिखूंगा द
पॉइंट म्यूटेशन और सबस्टिट्यूशन, और सबस्टिट्यूशन इज द चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड by substitution, comma addition, or you can say deletion, by substitution, deletion, or insertion in DNA, or RNA. The point mutation or substitution is the change of one nucleotide by substitution, deletion, insertion in DNA or RNA, which leads to change in sequence of nucleotides. तो यह है पॉइंट म्यूटेशन। अब ये जो दो टर्म्स मैंने यहां पे ऐड किए हैं इंसर्शन एंड डिलीशन, मैं इनको अभी बताऊंगा। तो ये सबस्टिट्यूशन की वजह से पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन इसमें एक बहुत ही एक अहम एग्जाम्पल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अहम है, सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया ये एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन की, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। कैसे? यहां पे जो जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ग्लोबिन है जो इस सिकल सेल एनीमिया को प्रिवेंट करता है, तो इस जीन में जो है ये म्यूटेशन होती है। इसमें कौन सी म्यूटेशन? एक्चुअल सीक्वेंस इसमें है ग्लूटामेट, एक अमाइनो एसिड है, और इस ग्लूटामेट के बदले आता है वैलिन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन है या जीन है, इसमें यहां पे जितने भी सीक्वेंसेस है, फॉर एग्जांपल किसी जगह जो एक ऐसी सीक्वेंस है यहां पे जहां पे ग्लूटामेट कोड होता है, और ये ग्लूटामेट जो है फॉर एग्जांपल UCA करता है कोड, तो इसमें अब आता है UCA के बदले फॉर एग्जांपल UAA, तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो गई। अब ये जो UAA जो है ये ग्लूटामेट को कोड नहीं करेगा बल्कि ये वैलिन को कोड करेगा, और रिजल्ट पूरे जीन में म्यूटेशन आती है और एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो दैट मीन सिकल सेल एनीमिया इज द पॉइंट म्यूटेशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कोड्स फॉर वैलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामेट, जो वैलिन को कोड करती है लेकिन इंस्टेड ऑफ किसके बदले में? ग्लूटामेट के बदले में। तो दैट इज वाई सिकल सेल एनीमिया जो है ये आकर होता है ह्यूमंस में। तो ये था पॉइंट म्यूटेशन, ये सबस्टिट्यूशन को मैंने बता दिया है पॉइंट म्यूटेशन के। नेक्स्ट क्या है?